शुक्रवार यानी आज चक्रधरपुर भाजपा नगर कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पार्टी संगठन को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान भाजपा ने हेमंत सरकार पर वार करते हुए कहा कि रघुवर सरकार की अच्छी योजनाओं को इस सरकार में बंद करवा दिया गया है। ये किसानों के लिए इतना बढ़िया पैदावार का चीज था, प्रति एकड़ 5,000, तो 5 एकड़ तक का पैसा 5 बचे 25,000 और इधर केंद्र से 6,000, 31,000 रुपया एवरी फाइनेंशियल ईयर में हमारे किसानों को वो मिलता था। अभी ये हेमंत सोरेन की सरकार आने के बाद ये जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना बंद कर दिया, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये क्षेत्र जो है, ये जो है यहाँ, ये झारखंड जो अलग राज्य हुआ, किसके लिए हुआ? आदिवासियों के लिए हुआ, यहाँ के मूल वासियों के लिए हुआ, यहाँ रहने वालों के लिए हुआ। सबसे बड़ा धनवाद स्टेट और यहाँ के लोग सबसे गरीब हर क्षेत्र में देखिए, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, आपका चक्रधरपुर में देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का। आजादी के बाद से हम लोग चक्रधरपुर वासी शिक्षा में कितने पिछड़े हैं। अरे आज जो नेहरू कॉलेज चल रहा है, कहाँ चल रहा है? राजा का घर में। किसी जमाने में राजा का घर था, उसके बाद आया वो बीड़ी कारखाने का गोदाम, वहां से पढ़ लिख के हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? कितना उन लोग का डेवलपमेंट होगा? यहाँ हमारा अनुमंडल देखिए, अनुमंडल अस्पताल देखिए, यहाँ हमको हर डॉक्टर चाहिए, ऑर्थो से लेके आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट से लेके माने पैथोलॉजी से लेके आपका डेंटिस्ट से लेके माने जो एक जो हॉस्पिटल होना चाहिए वो सारा सुख सुविधा, सारा डॉक्टर, आप स्टाफ, नर्स, फार्मासिस्ट, सारे लोगों को यहाँ होना जरूरी है। हमारा 2 विधानसभा इस अनुमंडल से ट्रीटमेंट होता है, एक मनोहरपुर और एक चक्रधरपुर। आप पॉपुलेशन समझ में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अनुमंडल के ऊपर कितना बोझा है। तो ये सारी बातें हमको समझना होगा। अभी जैसे अभी तो हम लोग ओपोजिशन में है, अभी थोड़ा दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा जो माननीय विधायक है यहाँ श्री सुखराम उराव जी, अभी लाडू पौधा सब स्टेशन और पुरुलिया सब स्टेशन के लिए बोलता है कि हम हंगर स्ट्राइक करेंगे। ये हंगर स्ट्राइक इसलिए कर रहा है कि अभी जो कुछ पेपर में आया, अभी जो कुछ पेपर में आया, जैसे आपका इधर टांगो साहित्रा में, मटकम बेड़ा में, गोपालपुर वगैरह में, उसके बाद लाडू पौधा वगैरह जो सब स्टेशन का जो बात उठाए क्या हम ही लोग उठाए थे? तो उस विभाग के कुछ लोगों ने जो उनके चमचों में ये बात कहा है कि आप यहाँ के स्थानीय विधायक हैं और आपसे ये काम नहीं हो रहा है, तो अगला जो है ओपोजिशन कर रहा है, तो आप काहे का विधायक? तो आप उसको मिर्ची लगा मैंने तकलीफ हुआ, तब वो जो है हंगर स्ट्राइक करेंगे बोल के ये पेपर वगैरह में दिया, थोड़ा फोकस हुआ, तब वो प्रेशर बनाया, ऊपर से मुख्यमंत्री का फोन आया, तब ये काम चालू हुआ पुरुलिया, और लांडू पौधा अभी शुरू नहीं हुआ। लांडू पौधा सब स्टेशन कितना साल हो गया, जिसमें हमारे स्वर्गीय गिलवा जी भी थे, शशि समट भी थे, सुखराम राव भी थे, ये तीनों मिलकर शिलान्यास किए थे। 7 ईयर्स, 7 साल हो गया, एक सिंपल सा सब स्टेशन नहीं बनके पूरा होता है, क्या डेवलपमेंट होगा? आज देहात में, आज शहर में, अगर शहर का कुछ होता है तो उसका लाइन काट के दोनों साइड का, गांव का और यहाँ का काट देता है, तब बनाता है। जब दोनों जगह से अलग अलग फीडर जाएगा, लाइन जाएगा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।